वही यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने देश के सबसे बड़े अशोक चक्र का अवलोकन किया। साथ ही सरस्वती उद्गम स्थल के शोधकर्ता पद्म भूषण दर्शन लाल के निवास पर दोनों के बीच चर्चा हुई। शनिवार को यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सबसे पहले टोप्याकलां स्थित देश के सबसे बड़े अशोक चक्र का अवलोकन किया। इसके बाद वे सरस्वती उद्गम स्थल के शोधकर्ता पद्मभूषण दर्शन लाल जैन के निवास स्थान पर पहुंचे और सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर दोनों में काफी समय तक अहम चर्चा हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरस्वती का काम एक बड़ा काम है। पिछली बैठक में सरस्वती उद्गम की रिपोर्ट्स को स्वीकार कर लिया गया है। दूसरे दौर में इसरो एएसआई और जीएसआई के सहयोग से स्थायी स्तंभ बनाकर सरस्वती का डीमार्केशन का काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर दर्शनलाल जैन ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को सरस्वती उद्गम स्थल से जुड़ी अपनी किताबें भेंट की, जिस पर चुटकी लेते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि आप किताबें तो दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इन्हें पढ़ूंगा नहीं। वे किताबें कम पढ़ते हैं और काम ज्यादा करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे पहले सभी को विश्वास करना होगा, क्योंकि अविश्वास करने का कोई आधार नहीं। आने वाले समय में आदि बद्री को दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाने की कोशिश जारी रहेगी। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।